हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और देख सकते हैं क्या गुड मॉर्निंग है। भोपू लेके ये चिल्ला रही है, इसके चाचा पहुंच चुके सुबह सुबह। दे दो बजा के दिखाएगी, दे दो जरा बजाइए, बजा दो तो बेटा। अच्छा से बजा दीजिए। तो अभी माता जी करेगी ना, चल बे डॉक्टर, मेरी माता जी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना। और सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा था, पूरी रात सोए नहीं हम लोग। तो अभी एसी वाले भैया आए हुए हैं, बहुत दूर से आए यार ये, क्योंकि इधर मैकेनिक भी नहीं है एसी का, तो उनको बुलाए हम लोग। तो अभी आए हुए, अभी देखिए फिर नहीं चल रहा है। तो अभी वो आए हुए हैं और एसी काम चल रहा है, होप जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि हम तो भाई गर्मी में भी सो जाए। बिटिया रानी मेरी, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, वो सो नहीं पाती है। देख लो तितली को बजा दो। क्या हुआ, कौन गिरा था कल? मम्मी से ना बोल लग जाए। ये लोग गिरते पड़ते रहते हैं। कहाँ 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 गिरा था? वो नीचे गिरा था, साइकिल चलाते हुए। ना बॉबी के हाथी रहे पर बॉड के चलावत रहे, वो कस के चलावे लगा, पीछे पर गिर गो चोट लाग गो। तो मैं रो नहीं तो एसी कण तेल उल मो थोड़ा बहुत। मेरा दाढ़ी मूंछ भी मुझे थोड़ा सेट कराना है, तो अभी जाऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले एसी चलने लगे, बस इसी चीज का टेंशन है बहुत ज्यादा हम लोगों को। ये देखिए चाय लेकर आए हैं, एकदम माँ को दीजिए। क्या बात है भाई, जरा मुझे भी पिला दो यार चाय। धोन दादी की सोना, अरे बाप तो यहाँ पर देखिए चाय बिस्किट, सासू माँ की सेवा हो रही है सुबह सुबह। क्या बात है भाई, जरूर कुछ फायदा होगा। डॉक्टर मम्मी को लेके, मम्मी का चश्मा टूट गया। तो माता जी का चश्मा टूट गया, जरा दिखाइए माँ कहाँ टूटा चश्मा। और चश्मा टूटे तो माँ क्या जुगाड़ लगाई थी जी, यहाँ पे क्या करे, अपने कॉटन बॉल्स लगा ली थी जिससे आपका नाक छिला गया। इसी लड़की का काम है तोड़ फाड़ करने। नहीं, ये नहीं तोड़ी है। तुम नहीं तोड़ी दादी का चश्मा? क्या खाओगी? खाइए, खिलाओ इसको, जा दादी जा। नहीं नहीं तुम मत देना, तुम दूर रखो चाय को। चाय सुबह सुबह पी रहे हैं मस्त। हमारे यहाँ यही होता है गाइस, 7 से लेके 8:30 बजे तक सभी लोग चाय पी लेते हैं, चाय बिस्किट। और 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट बन जाता है, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तब लग रहा है क्या देसी चलेगा? नहा ली? आजकल के जमाने में नहा नहीं ना, बड़ा तुम नहा ली हो? ओ भाई साहब, 9 बजने वाला है, हमको तो लग रहा है कि तुम नहा ही नहीं है, तो पूरे पसीने से भीगी हुई है। काम कर रही थी क्या कुछ? गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा। गर्मी तो गाइस अपनी चरम सीमा पे है। नहाया और नहीं नहाया बराबर है। राम राम, देखिए कर दो राम राम, कर दो राम राम, पूजा हो गया है राम राम। जब भी भोजन चलता है, माता जी भी नहा के आके उधर जला दिए दीप भगवान जी के पास, खाना जी के पास, देख सकते। और ये राम राम करी, कर दो राम 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 राम। तो ये बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा तो ऐसे ही होता है। आप लोग भी जरूर बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाए क्या जी? जी ये सब इन्हीं का काम है, यही सब सिखाती है राम राम। ये तितली जब पेट में थी तो पूरा गीता का तुम क्या सुनी थी जी? चौपाया सुना करती थी ना गीता का पूरा। कहाँ? हाँ दादी लेके चली जाती है इसको इसके मंदिर पर घुमाने के लिए। हाँ मंदिर भी लेके जाती थी घुमाने के लिए। वाह, फाइनली सरफराज भाई लेकर आए खोल के, जिसका आउटडोर था उसमें से, कह रहे हैं कि इसमें मोटर में प्रॉब्लम है। तो आज सुबह सुबह हमारा कह सकते हैं कि दिमाग खराब हो चुका है, और बहुत ज़्यादा हीट कर जा रहा है इसके कारण, मोटर इसका काम नहीं कर रहा है उतने अच्छे से। तो गाइस कुछ लोग इतने अच्छे होते क्या ही बताओ। एक कॉल पे सरफराज भाई आ गए और इनका घर मतलब मेरे घर से मुझे लग रहा है कि 30 किलोमीटर दूर होगा, और पास में कोई मैकेनिक है नहीं, बट आए ये। और अभी ये कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, कल तक हो जाएगा।
कल तक हो जाएगा। तो दिन ही ख़राब था मुझे लग रहा है कल से, बट चलिए होप इनके आने से शायद लग रहा है कि बीमारी पकड़ी जाए, क्योंकि बार बार हमेशा ट्रबल आ रहा था इसी में। तो मोटर वगैरह सब कुछ एक खोल के लेके जा रहे हैं, बोले कि मैं कल किसी हालत में लगा दूँगा इसे, तो आपको बताऊँगा मैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी यार ये देख के बहुत ये लग रहा है कि इतना बड़ा बड़ा बैग लेके चलना सारा औजार जुगाड़ लेके चल रहा है, कह रहे हैं कि कल अब बनेगा चलेगा ऐसे। आज तितली को कोशिश तो कर रहे हैं, बोले कि मैं कोशिश करूँगा, तितली सो नहीं पाती है बस। तितली चाचू को बोलो कि जल्दी से बना दीजिए, चाचू हमको सोना है। यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ तो मिलेगा नहीं एसी का कुछ भी सामान, यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने करा लिया अपना हेयर कटर, कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। ईशा को तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा स्टाइल में कटवा गया, बट अभी नींद बहुत जोरों की आ रही है। मैं तो नहा वाली हूँ, बट अभी ऐसा मौसम चल रहा है ना कि पता नहीं चलेगा कि आप नहाए हो। बट आपको एक खास चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आराम करने लगी तितली भी उधर आराम करे, खास चीज़ दिखा रहा हूँ खास चीज़। वो ये है कि हम लोग नहीं थे तो माता जी अचार डाली है, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। किसको किसको पसंद है ज़रा बता दीजिए एक बार कॉमेंट में, पहले आप लोग बताइए कि किस चीज़ का अचार है। ठीक है, हाँ मुँह में तो पानी आ रहा है, किस चीज़ का है ये बताइए। ये है आमला का अचार, और इतना टेस्टी माँ का अचार होता है ना, सच बताऊँ तो अगर आप लोग कभी बोलोगे तो मैं रेसिपी शेयर करूँगा क्या। तो बहुत ही अच्छा है माँ का जो अचार है, बाकी मुँह में पानी आ रहा है सच में। और एक और बैड न्यूज़ है, फोन मत चालू करो, अभी अचार थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँगा उसके बाद खाऊँगा। तो अभी एक और बैड न्यूज़ है हम लोग के, आज का दिन ही एकदम इतना वाहियात आज का दिन है ना कि बता ही नहीं सकता। हम लोग के फ़ोन का एक जो आईफोन है उसका टच काम नहीं कर रहा है, वहीं से काम नहीं, वहाँ तो काम नहीं करते, घर आते आते बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अब ये भी एक समस्या है, अब उसको जाना होगा दिखाने के लिए, और ऊपर से माता जी को भी लेके जाना है ना, माता जी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ, मम्मी को, माँ को आँख के डॉक्टर के पास लेके जाना है। पटना, तो चलो फिर पटना चला जाओ। क्या क्या विचार आपको, कहाँ जाना है, पटना जाना है कहाँ जाना है? पटना तो दिखाया हुआ है, अभी आटा साट के चश्मा पहनिए, जरा दिखाइए। एक्चुअली हुआ क्या था देख मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इनका ये वाला चीज़ टूट गया था, ये वाला चीज़, तो इनको गर रहा था बिना चश्मा के इनसे खाना पीना बनेगा नहीं, निशा भी नहीं थी, तो इन्होंने आटा लगा दिया था और एक दिन रुई है ना जी, तो एक दिन रुई और आटा लगा के इन्होंने कैसे कैसे अपना काम वगैरह किया। बट अभी आ गया हो तो फाइनली लेके बार बार गिर जाता रहे आटा साट रुई गिर जा रहा था बार बार, तो वहाँ करी कि मैं आटा साट ली। रुई तो मैं ही दी। अच्छा रुई तुम ही देती, तो चलिए कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या प्लान होता है। बट अभी फ़ोन ख़राब हो गया तो अलग ही एक टेंशन हो गया, ब्लॉग्स वगैरह थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो क्या किया जाए, पटना चला जाए, फ़ोन दे दिया जाए। हाँ देखिए कहाँ पे पटना दिया जाएगा सर्विस सेंटर में, क्योंकि आईफोन है तो आईफोन इधर उधर देना मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से भी सेफ़ है। या अगर किसी का जान पहचान है कोई पटना से है जो मतलब आईफोन के वगैरह के बारे में कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप ऐसे ही चले गए थे स्टेज पे, कौन ब्लेजर कहाँ आपका? हाँ मैसेज चला गया था, गर्मी इतनी लग रही थी, फोटो ब्लेजर पहनते तो इतना अच्छा लगता, ब्लू ब्लू सब पहने में भाई इतनी गर्मी लग रही थी ब्लेजर, मैं डांस करते करते पसीने पसीने से लथपथ हो गया था, और तुम कह रही हो कि मैं ब्लेजर पहन लेता। एनीवे इस ब्लॉग को कर देते एंड, और मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज का लिंक दिया, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम का भी पेज दिया हुआ है, मस्त मस्त रील्स आ रही है, जरा बोल दो एक बार जाके देख लें। ये देखिए, हाँ देखिए मस्त मस्त रील्स आ रही है हमारा, और हमारा फेसबुक में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये फ़ोन ली हुई तो गाइस ये है हमारा रियल फेसबुक आईडी, जो जो लोग फॉलो नहीं किए प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए, एक तो फेक बन गया है बट ये रियल है, जिस पर 48,000 फॉलोअर है मेरा, पंकज निशा प्रशून पनिष्का, और इस तरह से है, आप लोग जाइएगा फॉलो कर लीजिएगा। नहीं नहीं जाके, हाँ मतलब सूचना ही है कि प्लीज़ आप लोग जाके एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ये हमारी फेसबुक आईडी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।